यहाँ तो भाई वाकई में बोलना ही पड़ेगा खुल जा, खुल जा सिम से। देखो खुल गया, खुल गया वाला। पहले बोल देते यार, 5 मिनट खराब हो गए हमारे। तो आ गए हैं जैन चिकन जी, तो चलिए चलते हैं और लेके आते हैं पनीर पकौड़ा। पनीर पकौड़ा तो ये मिस्टर आशीष आ गए हैं। हाय बोल दो। हाय चलो चलो वेलकम। चलो फ्रेंड्स, आज हमारी गाड़ी जा रही है, साड़ी गड्डी मोदी नगर जा रही है, तो चलिए आज आपको मोदी नगर घुमाते हैं। चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सो अभी हम जा रहे हैं मोदी नगर, घर से हम निकल चुके हैं। ये नील मेरी गोदी में सो रहा है, आप देख लीजिए। सो नहीं रहा है, उठ गया है। सो रहा था, अभी उठ गया। और इंदिरापुरम क्रॉस कर रहे हैं। इंदिरापुरम हम क्रॉस कर रहे हैं, 62 वाला हमारा आने वाला है एरिया। घर से निकलते वक्त यार बहुत ज्यादा मतलब हम लोग बिजी हो गए थे पैकिंग में, और उसमें तो हम शूट नहीं कर पाए, तो हम गाड़ी में बैठ के शूट स्टार्ट किया है। और बाय द वे हम जा कहां रहे हैं तो बता दो। हम जा रहे हैं मेरे घर मम्मी के पास, वहां से फिर हम जाएंगे एक फ्रेंड की वेडिंग में रात को, वो भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। बाकी हर्षित ने पहले भी ब्लॉग डाले हैं, उसमें आपने देखा ही है ये अभी। और फ्रेंड्स ये ना मेरी शक्ल देख के आप ये मत सोचना कि ये क्या हो गया है मुझे, कि मैं इतना काला क्यों लग रहा हूँ। इनको टैनिंग हो गई है, बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है, सर्दी में भी टैनिंग और गर्मी में भी टैनिंग है। अभी ये पहाड़ों से होके आए हैं तो देख लीजिए इनका क्या। और आप सोच रहे होंगे पहाड़ों से होके आए हो, टैनिंग मतलब वहाँ तो थोड़ा और थोड़ा ठंड होती है, तो टैनिंग कैसे हो गई? पता नहीं मुझे कैसे हो गई, वहाँ धूप बहुत तेज थी पहाड़ों में। एक्चुअली पहाड़ों में क्या है कि दिन में धूप तेज निकलती है, तो आप जो शूट के लिए अगर आप निकले हो तो डेफिनेटली आपको धूप से टैनिंग होनी होनी है। और स्कूटी से मैं घूमा हूँ, पैदल मैं घूमा हूँ, और पूरे दिन शूट किया, तो उसका परिणाम मैंने खुद जब आके अपना चेहरा देखा ना, मैंने कहा ये क्या हो गया यार, सब बिल्कुल काला लग रहा हूँ मैं। तो कोई नहीं, फिल्टर लगा देंगे हम थोड़ा बहुत। फिल्टर विल्टर छोड़ो, अब थोड़ा सा फेशियल करते हैं ताकि ये डिटैन करना पड़ेगा ताकि ये टैनिंग हटे। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं आगे रास्ता आपको। देखिए ये अभी हमने 62 क्रॉस किया है, सेक्टर 62 नहीं क्रॉस नहीं किया है, सॉरी आने वाला है। यहाँ से हम सीधा NE3 होते हुए सीधा मोदी नगर निकलेंगे। आप देख लीजिए कितना अच्छा 65 लिखा हुआ है, देखिए। हापुड़ 45 और मुरादाबाद 145। दोपहर का वक्त है, अभी ट्रैफिक भी जो है ना बहुत ज्यादा नहीं है, सही है ट्रैफिक है, बस अभी बॉर्डर पे जाम लगा हुआ था, बाकी सारा ठीक है, क्लियर है। ये उठ गए हैं हमारे सेठ जी, छोटे सेठ जी। बेटे बेटा हेलो करो सबको, हेलो बोल दो, हेलो 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 फ्रेंड्स, हेलो कर दो हेलो। मैंने तुम्हारा चश्मा लगाया हुआ है। अपने तो खो देते हो ना तुम। हाँ तुम्हारे मैंने शेड्स लगाया हुआ है। और अभी हम रुके हैं रास्ते में और आशीष को पिक कर रहे हैं अभी हम, ABS के बिल्कुल ठीक सामने। ये ABS कॉलेज, ये रहा हमारा NE3 हाईवे। ये NE3 है, नेशनल एक्सप्रेस वे 3। तो ये मिस्टर आशीष आ गए हैं। हाय बोल दो। हाय चलो चलो वेलकम। चलो फ्रेंड्स, आज हमारी गाड़ी जा रही है, साड़ी गड्डी मोदी नगर जा रही है जी। आ गया सामान, सूटकेस तो बहुत बड़ा लेके आए हो आप। पार्टी में जा रहे। चलो भाई चलो, सरप्राइज दे तुम्हारी। व्हाट क्या है? कोल्ड कॉफी। वाह, अब तो वैसे गर्मी आ गई लग रहा है। हाँ गाइस, कोल्ड कॉफी लाए हैं मेरे लिए। कोल्ड कॉफी देख के लग रहा है आपको गर्मी आ गई है। वाकई में आज बहुत गर्मी है यार। आपका लोकेशन क्या है फिर? कैसी लग रही है पी के तो बताओ। किटकैट शेक है एक्चुअली। किटकैट शेक है, बहुत टेस्टी है। कहाँ से? कहाँ से लिया है? लिखा होगा ना बॉटल पे। चाय सुट्टा बार। चाय सुट्टा बार नहीं, चाय सुट्टा यारी। चाय सुट्टा यारी अच्छा है। नहीं, चाय सुट्टा बार का तो हमने पहले भी ट्राई किया है। सो गाइस देख लीजिए, हम मोदी नगर एंटर करने वाले हैं। ये आ गया है राइट लेफ्ट में मोदी नगर का बोर्ड। टोल पे आ गए हम। ये देख लीजिए खेत चल रहे हैं, गन्ने के खेत हैं। जैसे ही आपको दिखाई दे जाए ना समझ लेना मोदी नगर आ गया। और ये देखिए टोल पे आ गए हम। ये आ गया हमारा टोल। ये
यहाँ तो भाई वाकई में बोलना ही पड़ेगा खुल जा खुल जा सिम से। देखो खुल गया, खुल गया पहले बोल देते यार, 5 मिनट खराब हो गए हमारे। गाइस कौन कौन मोदी नगर से है बताना, मैं तो मतलब ऑब्वियसली मैं ही मोदी नगर से, नहीं जीजू भी मोदी नगर से, जीजू भी मोदी नगर से हैं, ये हमारे मिस्टर दिल्ली से हैं, और ये वाला लेफ्ट लेते ही अब हम मोदी नगर की तरफ चले जाएंगे। ये हम, ये कौन सा एरिया आ जाता है बाय द वे? भोजपुर। मुझे भी नहीं पता इतना, हम अंदर से आए हैं ना पीछे से, तो इसलिए हम गांव के अंदर से जा रहे हैं। कनेक्टेड रोड है। अच्छा आगे हापुड़ है या इधर की तरफ हमारा मोदी नगर आता है ना? पीछे की तरफ हापुड़ पीछे है। पीछे अच्छा हाँ, उधर तो वो पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं जी, जो उस राज चौपले से उधर जो गांव है निवाड़ी, निवाड़ी गांव देख लीजिए, गन्ने के खेत खेत हमारे दोनों तरफ। हाँ काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक्चुअली, जब से मेट्रो आई है ना कितना जा रहा है गन्ने, तो हम अभी आपको मील के बाहर भी गन्ने दिखाएंगे अभी आपको, लगे होंगे तो डेफिनेटली दिखाएंगे वगैरह किस तरीके से मील में इतना गन्ना जाता है। यहाँ पर मेट्रो आने से ना ये सारी जमीनों के रेट बढ़ गए हैं, यहाँ पहले एकदम जंगल हुआ करता था, अब देखो कितना कंस्ट्रक्शन हो गया है। गाइज ये रेलवे लाइन है हमारी मोदी नगर की, और ये फाटक था राज चोपला फाटक, नाउ हम आ गए हैं मोदी नगर। मोदी नगर मेन हाईवे पे ज्वाइन हो गए, मेन हाईवे हमने ज्वाइन कर लिया जो है, हरिद्वार का पुराना रास्ता भी है पुराना, से अगर आप जा रहे हैं तो। हाँ अभी दिल्ली मेरठ हाईवे, हाँ ऑब्वियसली 24 घंटे सर्विस, बट अब हाईवे बन गया तो अब एनीथिंग। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेट्रो का काम हो गया है, ये देख लीजिए मेट्रो ब्रिज, मेट्रो तो यहाँ पूरे में पहुँच गई है सब जगह। आप ये आ गई हमारी एनसीसी अकेडमी, अब आएगा मेरा कॉलेज डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी है हमारे मोदी नगर की, जो यहाँ रहता होगा वो जानते ही होगा। सीएमडी कॉलेज आ गया ये सबसे बेस्ट कॉलेज में, काफी सारे सेलिब्रिटीज भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। और ये वाली बसेस कहाँ जाती हैं? ये लिखा है ना मेरठ मोहन नगर आनंद विहार, ये देख लीजिए। तो अपने होम टाउन का कुछ स्पेशल भी खिलाओगी आज? यहाँ का फेमस सब जानते ही होंगे जैन शिकंजी, जैन स्वीट्स, तो हम जैन शिकंजी जाएंगे, ब्रेड पकौड़ा लेके आएंगे वहाँ से, पनीर पकौड़ा वो हम खाने वाले हैं आज। गाइस ये मेरा कॉलेज है जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है, एमएम कॉलेज मुल्तानी मल मोदी कॉलेज, ये हमारा कॉलेज है, ये इसका बैक गेट है एक्चुअली, यहाँ पे प्ले ग्राउंड है हमारा फुटबॉल, ये देख लीजिए बहुत पुराना कॉलेज है मोदी नगर का। यहाँ कौन से कोर्सेज हैं? एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एवरीथिंग, सॉरी बीकॉम, एमबीए नहीं है ना जी सर, ये फ्रंट गेट है, एक ओपन लर्निंग का है ये हमारा आ गया, तो उसके हाँ ये हमारा मेन गेट है कॉलेज का, अंदर से काफी अच्छा बन गया है, बाहर की वॉल्स पुरानी है, ज्यादा उनपे काम हो नहीं सकता, बट यस ये हमारा छोटा सा मोदी नगर। और रोड काफी चौड़ी हो गई है पहले से, पहले के टाइम पे जब मैं आया था तब यहाँ पर तो चलने की जगह नहीं होती, मेट्रो का काम चल रहा था ना, अब तो बिल्कुल सब कुछ अप टू डेट, काफी बेटर हो गया है। अब कहाँ आ गए हम? ये हम चल रहे हैं टुवर्ड्स बस स्टैंड आएगा ना, हाँ बस स्टैंड की तरफ। ये बॉयज कॉलेज है डॉक्टर के एन मोदी, ये देख लीजिए मोदी कॉम्प्लेक्स। मोदी नगर आए और ट्रैफिक ना हो ऐसा हो नहीं सकता, काफी लोग दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश जाने वाले लोगों ने कभी ना कभी मोदी नगर में ट्रैफिक में जरूर फंसे होंगे, ये तो गारंटी है। हर्ष तुम फंसे हो कभी? हाँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बुरी तरह फंसा हूँ यहाँ पर विसर्जन के टाइम पे, ओहो गणपति विसर्जन, और खड़े होना भी ऐसा लगता था कि अभी नो इतनी जोर की स्पीकर सिस्टम चलते थे, धाए धाए आवाज ऐसे आती थी, ओह टेरिबल एक्सपीरियंस। तब तुमने सोचा था कि तुम्हारा मोदी कभी इतना आना जाना होगा? नहीं मैंने नहीं सोचा था कभी भी कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था डेस्टिनी यही डेस्टिनी है, यही जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। ये देखो सूरज चल रहा है, ये आ गया मोदी नगर का छोटा सा बस स्टैंड, ये देख लीजिए ये लिखा है हमारा
बस स्टेशन मोदी नगर। तो आ गए हैं जैन शिकंजी, तो चलिए चलते हैं और लेके आते हैं पनीर पकौड़े। पनीर पकौड़ा। सो गाइस ये जैन शिकंजी है, देख लीजिए अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, ये फ्रंट है, तो चलिए चलते हैं अंदर। सो शॉप में आ गए हैं, आप देख लेते हैं कि, देख लीजिए आप भी, दिखा देती हूँ मैं आपको एक मिनट रुकिए। बेकरी का सामान है ये सब। सब कुछ पैक है भैया। सो गाइस देख लीजिए फ्राई हो रहे हैं पकौड़े हमारे उधर। तो ढोकला और पकौड़े ले लिए, अब चलते हैं घर, दिखाते हैं। बाज बजे। सो गाइस ये मोदी नगर का फेमस मोदी मंदिर है और हम आ गए अपने घर, देख लीजिए बस ऑलमोस्ट। और ये देखिए शाम के वक्त मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, वैसे हम अंदर से भी दिखाएंगे। कल हम यहाँ पे जाएंगे, आप देखिएगा मंदिर। बेटे शांत हो जा, चलो तुम। आ गया नानी के घर, आ गया अपनी। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं मोदी नगर, और देखिए इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको यहाँ की मोदी नगर की वेडिंग दिखाने वाला हूँ, जो वेडिंग अटेंड करने के लिए स्पेशली हम मोदी नगर आए हैं। तो कल सेम टाइम पे आप व्लॉग देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है यहाँ का वेडिंग व्लॉग, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।